हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फॉर टेंथ। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा यही वाला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो हमने जहां से छोड़ा था उसी के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वी हैव टू डू द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दैट इज गिवन इन NCERT। तो चलो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? यानी मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन क्यों करना पड़ता है उसे जलाने से पहले? ये मैंने आपको जब मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी भी बताई थी उसके अंदर भी क्लियरली बताया था। इसका रीज़न यही होता है कि मैग्नीशियम रिबन ऐसे ना पड़ा पड़ा, मतलब उसे जब डब्बे से बाहर निकालो तो वो एयर के साथ, आपको पता है एयर में ऑक्सीजन होती है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर बना देता है, और वो ऑक्साइड लेयर कंबशन नहीं होने देती। ऑक्साइड लेयर एक्ट्स एज अ सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द मैग्नीशियम, तो उसकी वजह से कंबशन होने में दिक्कत होती है, मतलब प्रॉपरली नहीं वो बर्न हो पाता। ठीक है, सो टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर दैट फॉर्म्स ऑन द मैग्नीशियम रिबन ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, इट्स वी हैव टू क्लीन इट। ठीक है, एंड रिमूविंग द ऑक्साइड लेयर हेल्प्स द रिबन टू बर्न प्रॉपरली। तो ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर so that it can burn properly, इतना भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला रिएक्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। ये कौन सी इक्वेशन दी हुई है मुझे जल्दी से बताओ। मैंने आपको बताया हुआ है दो तरह की इक्वेशन होती है, एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन दी है? ये वर्ड इक्वेशन दी हुई है आपको। ओके, इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम हर एक जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट उसको उसके फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला में लिखेंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बैलेंस्ड भी होनी चाहिए। अगर सिंपल लिखा होता कि केमिकल इक्वेशन लिखो, तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिख देने में हमारा काम हो जाता, पूरे नंबर मिल जाते। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंसिंग भी आपको करनी है केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह लिखने के बाद। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। यस, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट्स एज अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, इसलिए H2 लिखोगे उसकी जगह। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है? Cl2, Cl2 फॉर्मूला। ये सब 9th क्लास में हमने पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े आपने यही याद है तो जाके याद करो पहले, और वैसे भी इट्स ईजी, डाई एटोमिक ही आपको याद करने होते हैं, क्योंकि जो पॉली एटोमिक होते हैं जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको हमने लिखना सीखा था कौन सा मेथड? वो क्रिस क्रॉस वाला मेथड, दोनों की वैलेंसीज, हाइड्रोजन की वन है क्लोरीन की वन, दोनों को क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? HCl, तो हमने HCl लिख दिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं यहां पे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है कि फिजिकल स्टेट्स आपको मेंशन करनी है, तो आप नहीं भी मेंशन करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता है। अगर हाँ मेंशन किया होता राइट डाउन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द फिजिकल स्टेट्स, तो अगर आपने फिजिकल स्टेट्स यानी ये जो यू नो ब्रैकेट में जी स्टैंड्स फॉर गैस ये सब लिखा है, तो अगर ये नहीं लिखा होता तब तो उस केस में नंबर कटते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको नहीं लिखने की जरूरत, ये तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बैलेंसिंग करो जल्दी से, आप देखो बैलेंस कैसे करोगे, तो कोएफिशिएंट्स आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा आपके प्रोडक्ट साइड में, HCl के आगे आपको 2 लिखना पड़ेगा, सो दैट वी हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो राइट हैंड साइड ऑल्सो एज वेल एज 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो राइट हैंड साइड ऑल्सो। बैलेंसिंग प्रॉपर तरीके से मैंने पूरी आई थिंक 2 वीडियोज, यस 2 वीडियोज आई हैव डिवोटेड क्लियरिंग ऑल योर बेसिक्स अबाउट बैलेंसिंग, तो अभी तक आपने वो नहीं देखी जल्दी से जाके देखो ताकि आपके सारे वो डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका भी आपको फॉर्मूला लिखा आना चाहिए। देखिए अगर आपको नहीं लिखना आता एंड आपको सीखना है कि कैसे लिखते हैं, मुझे बता दो, मैं एक प्रॉपर वीडियो डेडिकेटेड टू ओनली हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स उस पर बना दूंगा आप सभी के लिए, आई हैव नो वरीज, आप बस कॉमेंट करो कि आपको क्या चाहिए। ओके, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, SO4 इज अ पॉलीएटोमिक आयन, तो उसके पूरा ब्रैकेट लगा के नीचे 3 लिखोगे। ओके, साथ में बेरियम सल्फेट है तो BaSO4 प्लस
साथ में है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3। और ये लिखने के बाद आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग आई होप सो आपको आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके बेसिक्स बच्चे नहीं क्लियर हुए हैं बैलेंसिंग के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अगेन, ये सब आपको बैलेंसिंग करके आई विल शो यू, बट इट्स वेरी इजी। मैंने वो दो वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया आपको। वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। क्या बात, समझ में आई आप सभी को? थर्ड क्वेश्चन देखो, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम यू नो इट इज़ एन एलिमेंट, वो Na स्टेट में ही रहता है, तो Na लिखोगे। वाटर यू नो H2O, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आ जाएगा, NaOH। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए H2O2। नाइट्रोजन ऑल्सो N2, ठीक है। ये सब यूज टू हो जाओगे, क्योंकि यही सब सारे चैप्टर्स में आप देखोगे, यही सारी गैसेस, इससे ज़्यादा नहीं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, ओके। एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी उसकी, है ना, टेट्रा एटॉमिक CO2, 3 एटम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखा, अब यहाँ पे स्टेट सिंबल्स क्या है, फिजिकल स्टेट्स की बात हो रही है। स्टेट सिंबल्स मतलब फिजिकल स्टेट, तो आपको यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही आपको करना है यहाँ पे, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आपको एक सिचुएशन दी है, तो इसको बनाओ ना फटाफट से। अब ये वर्ड इक्वेशन नहीं है, ये एक सिचुएशन है, इसको बनाओ। सोल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ध्यान से देखो। उसने आपके लिए फिजिकल स्टेट्स बताना भी इतना आसान कर दिया, उसने खुद बोला है कि इन वाटर में बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया, जब भी एक सोल्यूशन पानी के अंदर बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एक्वस, ठीक है। तो इसीलिए हम BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, उसके ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस, AQ। साथ में बोला है सोडियम सल्फेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये वही मैंने यहाँ पे लिखे Na2SO4 और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया AQ, मतलब एक्वस, क्योंकि बेरियम क्लोराइड एज वेल एज Na2SO4 दोनों को पानी के अंदर बनाया गया है। बात समझ में आई? और जब भी हम पानी के अंदर बनाते हैं हम हमेशा क्या लिखते हैं, एक्वस, AQ। तो ब्रैकेट में वो आपका लिख देना चाहिए, ओके, लिखा होना चाहिए। एंड इट गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इतना बड़ा हिंट दे दिया उसने। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पता भी नहीं कि बेरियम सल्फेट का PPD बनता है, वैसे तो अब तक आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, लेकिन अगर नहीं याद है तो उसने हिंट दे दिया इतना बड़ा कि इनसॉल्युबल बन रहा है। इनसॉल्युबल तो हमेशा PPT होता है, यानी प्रेसिपिटेट ही होता है, तो वो तो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए हम S लिखेंगे ब्रैकेट में बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 के बाद में। देखो ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने लिखा है। एंड साथ में उसने लिखा है सॉल्यूशन यू गेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगेन सॉल्यूशन बोल दिया तो मतलब एक्वस सॉल्यूशन, रिमेंबर दैट। तो यहां पे NaCl ब्रैकेट में AQ आ जाएगा, दैट इज एक्वस, ओके। चलिए फर्दर यहां पे सेकेंड पार्ट आप देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। तो तीन तो हमारे पास सोल्यूशंस ही हो गए, दो रिएक्टेंट्स हैं जो NaOH और HCl, वो सोल्यूशन है, तो ब्रैकेट में मैंने एक्वस लिख दिया, ओके। NaCl भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसने भी, NaCl इज बट सोडियम क्लोराइड इट इज प्रोडक्ट ना। यहाँ देखो टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड इज द प्रोडक्ट। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड मीन्स सोडियम क्लोराइड इज द प्रोडक्ट। तो
वो भी सोल्यूशन फॉर्म में, मतलब एक्वस फॉर्म में, साथ में उसमें वाटर है। देखिए वाटर इज ऑलवेज इन द लिक्विड स्टेट, वाटर का कभी एक्वस स्टेट नहीं होता। वाटर को दूसरी चीज़ों के साथ मिलाने पर वो चीज़ का एक्वस सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन वाटर इट्सेल्फ इज अ लिक्विड। तो आप ब्रैकेट में लिखोगे एल, एल स्टैंड फॉर लिक्विड, वाटर इज ऑलवेज टेकन इन द लिक्विड फॉर्म। हाँ कभी कभी जब वाटर प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको दिखाया था और गैशियस लिखा हुआ था वाटर के आगे, इसका मतलब क्या है कि वाटर की स्टेट अलग है, लिक्विड स्टेट नहीं है, एल नहीं है, जी है, जी मतलब स्टीम। यू नो वाटर ऑल्सो एग्जिस्ट एज स्टीम, स्टीम स्टीम आपको पता ही है क्या होता है, धुआं टाइप वाटर का गरम गरम, वो दैट इज गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर एक्चुअली, ठीक है। बट उसने सिंपल बोला कि साथ में पानी बन रहा है, कोई ऐसा लिखा नहीं कि स्टीम बन रही है, स्टीम होता तो वाटर H2O ब्रैकेट में जी आता, उसने लिखा है वाटर बना है, वाटर का मतलब H2O ब्रैकेट में L। अगर बोलता स्टीम बन रहा है तो क्या लिखते, H2O ब्रैकेट में जी, जी स्टैंड फॉर गैशियस। अच्छा अब ध्यान से देखो PYQ मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं करें क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आए हैं बैलेंसिंग पे, और वो कहां से आते हैं, जितने भी आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बैक एक्सरसाइजेस में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं और साथ में जो एग्जांपल्स भी हैं आपके इस चैप्टर नंबर 1 में एनसीईआरटी के, वो सारे ही आप मान के चलो PYQ में आए हुए हैं किसी ना किसी फॉर्म में। अब एक एक करवाता है उसका कोई फायदा नहीं, इट्स बेटर जब मैं इनटेक्स्ट की वीडियो बनाऊंगा तब उसमें आ करवा दूंगा, और जो बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा उसमें अलग से करवा दूंगा। आपको मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप करना शुरू कर सकते हो, डो नॉट वेट। तो ये सारे PYQs हैं, बैलेंसिंग, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखो, फिर बैलेंस करो, स्टेट सिंबल्स के साथ भी करो, तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं। बात समझ में आई? सो विद दिस वी कंप्लीट योर इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, आई होप सबको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।